हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। ट्रेंड की बात करें तो लगातार पॉजिटिव ट्रेंड हायर हाई चार्ट पैटर्न यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है, लगातार आप ट्रेंड में हमको नज़र आ रहा है। देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन में स्टॉक काम करते नज़र आ रहा है। गिरावट आई तो कहीं पर भी आपने रिसेंट लो को स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया है, लगातार अप ट्रेंड में। हम इससे पहले वीडियोज़ में 360 तक के टारगेट को डिस्कस कर चुके थे, देख सकते हैं उसी लेवल से स्टॉक में गिरावट आई है। तो आप सपोर्ट कहाँ ले रहा है, जहाँ पहले रिजेक्शन फेस कर रहा था 340 के लेवल पर सपोर्ट लेता है स्टॉक नज़र आ रहा है, जो कि इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में 320 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। हम मेजर सपोर्ट के डिस्कस कर रहे हैं, जो तगड़े सपोर्ट होते हैं मेजर सपोर्ट उसकी बात कर रहे हैं। 320 नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा और सबसे आखिरी सपोर्ट ये जो लो है 300 का लेवल, 298-300 का लेवल, जहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया और अपने हाई को ब्रेकआउट किया है, सबसे आखिरी सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए। जैसा कि हमने अभी ट्रेंड को देखा, पॉजिटिव ट्रेंड है, लगातार हायर हाई चार्ट पैटर्न एक ट्रेंड लाइन में स्टॉक काम करते नज़र आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग गिरावट के साथ स्टॉक बाउंस बैक दिखाकर इस हाई को ब्रेकआउट कर सकता है। मार्केट भी लगातार तेज़ी दिखा रहा है और जब रिजेक्शन लिया है तो बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही, ऐसी कंडीशन में फिर ब्रेकआउट के चांस बनते हैं। तो इमीडिएट टारगेट यहाँ से 350 का लेवल, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 360 और इसके ब्रेकआउट के बाद फिर 370 से लेके 380 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। फिर जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 380 के आसपास करेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।